नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट हिंदुस्तान में आपके साथ अंशिका पांडे। एक और जहां देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठोर कदम उठा रहे हैं और ईडी छापे पर छापे मार रही है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा डंके की चोर पर भ्रष्टाचार करने के मामले सामने आए। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जन संसाधन विभाग का, जहाँ के मुख्य अभियंता अजय सोमावार के ऊपर फर्जी जाति के आधार पर नौकरी करने का आरोप है और साथ ही इन्होंने अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए बगैर पदस्थापना एवं वित्तीय आदेश के संविदा अधिकारियों से करोड़ों रुपए के चेक कटवाने का दुस्साहस भी किया है। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर हसदेव कछार के मुख्य अभियंता अजय सोमावार हैं। इनके ऊपर फर्जी जाति के साथ साथ गिरोह तयार करके भ्रष्टाचार करने का आरोप है। उन्होंने योग्य सहायक अभियंताओं को प्रोन्नति देने के बजाय उनके स्थान पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा पर तैनात कराकर आर्थिक भ्रष्टाचार करने के लिए पूरा गिरोह तैयार कर रखा है। ये गिरोह अपने तरीके से आदेशों की परिभाषा गढ़ लेता है और नियम विरुद्ध कार्य करता है। बुलेट हिंदुस्तान की टीम से बात करते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता अजय सोमावार ने कहा कि जो मेरे बेनिफिट में होगा मैं उसके बारे में तो सोचूंगा ही, और जो विभागीय अधिकारी संविदा पदस्थ हैं वो चेक काट सकते हैं। जिस व्यक्ति को, जैसे मैं हूँ सरकारी हूँ, तो मैं उसमें सरकारी के बेनिफिट की जो बात दिखेगी या मेरे बेनिफिट में, तो वही चीज मैं बार बार बोलता रहा। हेलो सर, इसमें तो कहीं वो लिखा ही नहीं कि पदोन्नति उसी स्थान पे उनके मतलब स्थापित मतलब बैठा है। पहला वाला है आदर्श है ना? हाँ, वो मेरे पास भी वो ये ऑर्डर की कॉपी है। पहला वाला ऑर्डर है जी जी, समझ गया ना, पहला वाला है 2021 का। हाँ, उसके बाद अभी तो दोबारा उनको हुआ है, तो वही बोलो, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इनको कोटा में दोबारा मतलब फिर से दिया जाए। नहीं नहीं, उसमें हम उस समय बात चल रही थी ना। हाँ हाँ, तो उस समय ये हुआ था, हमने वर्बल चर्चा करी थी, तो जब इनका आवेदन गया था तो वही थे, कोटा में ही डिवीजन पोस्टिंग थे, तो बोले इनके अलग से पोस्टिंग का कुछ नहीं है, जहाँ पोस्टिंग है वहीं पे ही इनको रखा जा रहा है, ऐसा इस वजह से नहीं निकालने का। फिर तो हमने कंटिन्यू किया, उसके बाद भी शासन से कोई ऐसा कुछ आया भी नहीं, कहीं से कुछ नहीं हुआ था, कंटिन्यू कर रहे हैं। शासन से तो आएगा नहीं, क्योंकि 2013 में जो एक बार एक नियम आया उसके बाद से तो संविदा वालों को उस जगह पे है ही नहीं। और चेक काटने का भी, क्योंकि मैं कल एजेंसी साहब से भी बात किया जाकर के, उन्होंने भी बोला कि ऐसा कोई नियम नहीं। मैं बोला आपके यहाँ तो चल रहे हैं सब बिलासपुर में, फिर बोले मैं क्या बोलूँ आपको, इनके पास लोगों पास कोई प्रशासनिक वित्तीय अधिकार भी नहीं है चेक काटने का। मैं एक बार सर और आपसे आकर के एक बोल लेना चाहता हूँ भाई, तो आप बताए कल सुबह के टाइम आ रहे हैं? इस मैटर पे हम उसके लिए अधिकृत नहीं है बाइट के लिए। किसके लिए? आपको वैसे ही करना पड़ेगा, हमको तो जो ऑर्डर मिला उसके हिसाब से हमने किया। असल में आपके अंडर में ये लोग है ना अभी दोनों लोग, इसलिए मैं तो शासन के अंडर में भी है, ईएनसी के अंडर में भी है, एसी के भी है। बुलेट हिंदुस्तान की टीम से बात करते हुए अधीक्षण अभियंता पी के आनंद का कहना है कि अशोक तिवारी और शुक्ला को संविदा नहीं बल्कि शासन ने सेवा वृद्धि दी है, इसलिए वे चेक काट सकते हैं। सेवा वृद्धि है यहाँ पे जी, संविदा अलग चीज होती है, संविदा मतलब आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाला जो होता है, इसको लिया जाता है। लेकिन सारा चीज आप उसकी संविदा से नहीं उसको ये करो, निगम मंडल बोर्ड उनके लिए जो शासकीय संस्थान है उसके लिए नहीं है। जो शासकीय संस्थान है उसमें से कोई विभाग है, सिंचाई विभाग हो, इरीगेशन जब बुलेट हिंदुस्तान की टीम ने ट्रेजरी ऑफिसर विकास सिंह से संविदा पर पदस्थ कार्यपालन अभियंता को आप चेकबुक कैसे इशू कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। यहाँ मैं हूँ ना, मैं विकास सिंह नहीं, मैं ट्रेजरी अफसर जी। अगर यहाँ बैठा हूँ तो बिल्कुल वैसे वहाँ कौन बैठा कार्य बना देते हैं, हम उस कार्यालय को दे रहे हैं, मैं व्यक्ति को नहीं जानता। मैं यहाँ शुक्ला है, वर्मा है, तिवारी है, मैं नहीं जानता। ये सब जुगाड़ है। हाँ, जेठा लाठी तो समझ गया ना, पीएचई आर और जनपद कंट्रोल जनपद जनपद कंट्रोल नगरी विचार, देखा कोई माई बाप तुमको जो चीजें मैं दे रहा हूँ जी, समझ गया ना। अरे ये पूछा सब, जैसे अभी जो ये लोग संविदा वाले जो करते हैं इनको क्या वित्तीय अधिकार है क्या? काम हुआ, बात तो सुन,
अच्छा सुनता है, ये जागरूकता फैलाने वाला है ना, थोड़ा बताना हमारा काम है, हम लोग से बताए पारदर्शित होना चाहिए, मैं कोई भी काम करूँ मैं क्यों छुपाऊँ, बिल्कुल समझ गए। तो एक आ है देख पूरा समझ गए, हमारे बहुत नाम मुन आदमी है, संविदा कौन करते राज्य सरकार, तो संविदा करा थे तू ही निर्देश जारी करना चाहिए, धन नहीं तो निर्देश तो है ना, नहीं कहाँ है आदेश, कहाँ है सर्कुलर, कहाँ सर्कुलर आपके जितनी उसने साइट पर दिए वेबसाइट पर दिए और आप लोगों को भेजा गया था पूरे जितने भी ट्रेजर सबको भेजा। तो ये थी बुलंदिस्तान की कुछ खास पर ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंदिस्तान के साथ।